अरे सर, मैं जिंदा हूँ। राजेंद्र शुक्ला नाम है हमारा और मैं जिला अस्पताल गोरखपुर में आज के डेट में कार्यरत हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल साहब महर्षि देव राव बाबा देवरिया के प्रिंसिपल साहब के दस्तावेजों में हमें मृतक दिखा दिया गया है। देवरिया से एक मामला सामने आया जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जब अपनी सैलरी लेने पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सैलरी तो हाथ में नहीं आई, लेकिन पोर्टल में खुद को डेड देखकर मरने का खौफ जरूर जाग गया होगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी राजेंद्र शुक्ला पिछले 3 महीने से विभाग के आला अधिकारियों के चक्कर लगाने के साथ साथ थक हार कर ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। अरे सर, मैं जिंदा हूँ। राजेंद्र शुक्ला नाम है हमारा और मैं जिला अस्पताल गोरखपुर में आज के डेट में कार्यरत हूँ वार्ड मास्टर के पद पे। जब स्टाफ नर्स का प्रमोशन होता है तो वार्ड मास्टर का पद मिलता है, सिस्टर इंचार्ज का पद मिलता है। तो मैं जिंदा हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल साहब महर्षि देव राव बाबा देवरिया के प्रिंसिपल साहब कि दस्तावेजों में हमें मृतक दिखा दिया गया है। ये मामला है महर्षि देवराह बाबा मेडिकल कॉलेज का, जहां प्रशासन से हुई गलती का खामियाजा यहां से कार्यमुक्त होकर गोरखपुर सदर अस्पताल में वार्ड मास्टर के पद पर काम करने वाले राजेंद्र शुक्ला को भरना पड़ रहा है। इन्होंने मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री को ईमेल करके अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक कोई सुनने जानने वाला नहीं मिला। इसमें कुल मिलाकर केवल कर्मचारी को देवरिया मेडिकल कॉलेज से रिलीव करना था, लेकिन मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने पोर्टल के जरिए राजेंद्र शुक्ला को इस दुनिया से ही रिलीव कर दिया। अब इसमें CMO डॉक्टर राजेश झा और मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर HK मिश्रा इसमें करेक्शन कराने की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि इसे जल्द से जल्द सही करा दिया जाएगा। ऐसा प्रकरण संज्ञान में लाया गया है, उसमें ये कहना है कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी को प्राचार्य महोदय के आदेश के क्रम में रिलीव कर महाराणा निदेशालय स्वास्थ्य भवन लखनऊ के लिए भेज दिया गया था। वहाँ से उनकी तैनाती गोरखपुर जिला अस्पताल में हुई है। पहले जब जिला अस्पताल हुआ करता था तो यहाँ पोर्टल के थ्रू उसका तनख्वाह का स्थानांतरण होता था, लेकिन जब से मेडिकल कॉलेज में सभी कर्मचारी डिम डिप्टेशन पे भेजे गए हैं तो यहाँ मैनुअल तरीके से वेतन का आहरण होता है। इसी क्रम में तकनीकी त्रुटिवश उस पर डेथ हो रहा है, जिसके सही करने के लिए कर्मचारियों का लेटर CMO के माध्यम से और हम लोग के माध्यम से भेजा गया है। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, UP तक।